बोला मोदी वो बोला, मोदी ने ये किया मोदी ने वो किया। अरे भाई चुनाव उत्तर प्रदेश का है, 5 साल आपने काम क्या किया जरा इसका तो हिसाब दो। मोदी ने क्या किया वो जनता मोदी को जानती है, जनता 2019 में तय करेगी। लेकिन भाइयों बहनों आप मुझे बताइए, हमारे में से किसी को भी हमारी सेना पर शक है क्या, हमारी फौज पर शक है क्या, सीमा पर जान की बाजी लगाने वाले हमारे फौजियों पर कोई शक है क्या? सीमा पार जाकर के हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुश्मनों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कैसे हुआ, कैसे आए, कितनों को मारा, कैसे चले गए, दुश्मन अभी भी होश में नहीं आया। और यहां वाले, यहां वालों ने शुरू कर दिया, सबूत क्या है? आप मुझे बताइए भाइयों, क्या सबूत मांगा जाता है क्या? भाइयों बहनों आज मैं बधाई की धरती से एक खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारा देश कितना पराक्रमी है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। रात में हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा पराक्रम कल रात को किया है। अब ये लोग मेरे से उसका भी सबूत मांगेंगे। आज दुनिया में मिसाइल से लड़ाइयां होने की संभावनाएं देखी जाती है, हर कोई मिसाइल बनाता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो वहां से उड़ करके हमारे अंडमान निकोबार तक जा सकती है, उधर इजराइल तक जा सकती है, मार कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सब लोग मिसाइल बना बना करके डरा रहे हैं। भारत भी मिसाइल की दुनिया में ताकतवर देश है, लेकिन उससे बड़ा काम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कल रात को कर दिया। आसमान में 150 किलोमीटर के भी ऊपर अगर कोई मिसाइल आती है दुश्मन की, तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मिसाइल बनाई कि 150 किलोमीटर हवा में भी उसको राख कर दिया जाएगा। और सफलतापूर्वक मैं मेरे देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, आज सुबह सुबह सफलतापूर्वक उस काम को कर दिया है भाइयों। और दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये ताकत है, सिर्फ 4-5 देश हैं। आज भारत का नाम, भारत के वैज्ञानिकों का नाम जुड़ गया। भाइयों बहनों जोर से तालियां उन वैज्ञानिकों के नाम पर बजाइए, वीरता का काम किया है। लेकिन मुझे पता है ये लोग बयान देंगे सबूत क्या है, सबूत देखना है 150 किलोमीटर ऊपर होकर आ जाओ, हो आओ, नहीं जाएंगे वो कहेंगे नहीं चुनाव के बाद जाऊंगा, वो खाली हो जाएंगे ना। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को, हैरान हूं मैं, पूरे उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ 3% खरीदी करती है, 3%। बगल में हरियाणा इतना छोटा राज्य है, 60% किसानों से खरीदी करता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 50% से ज्यादा हमारी सरकारें किसानों से खरीदती है, उनका दाम गिरने नहीं देती। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है सिर्फ 3% खरीदती है और किसानों को तबाह कर देती है। भाइयों बहनों ये उनके कारनामे हैं, उन कारनामों के खिलाफ इस चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों हम किसानों के लिए
फसल बीमा योजना लाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देश आजाद होने के बाद किसानों को सुरक्षा के लिए ऐसा निर्णय इसके पहले कभी नहीं हुआ है। और प्रीमियम कितना, किसान को सिर्फ 2% 1.5% प्रीमियम देना है नाम मात्र का, बाकी सारा भुगतान सरकार करेगी। सिर्फ 2% यानी 100 में से 2 रुपया या 100 में से 1.5 रुपया, बाकी 98 रुपया सरकार देगी। और बीमा भी कैसा है, मान लीजिए आपने 15 जून को बुआई करते हैं लेकिन बारिश नहीं आई, सब तैयारी कर ली, अगस्त में भी बारिश नहीं आई, जुलाई में भी बारिश नहीं आई, सीजन चली गई। अब मुझे बताइए, सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि अगर प्राकृतिक कारणों से आप बुआई नहीं कर पाए तो भी आपकी उस भूमि के हिसाब से आपको फसल का बीमा दे दिया जाएगा, किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए वर्षा अच्छी हो गई, बुआई अच्छी हो गई, पैदावार अच्छी हो गई, कटाई हो गई और खेत के अंदर आपकी फसल का ढेर पड़ा हुआ है और अचानक ओले गिर गए, बहुत अच्छी फसल हुई है, बस ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, ट्रक का इंतजार कर रहे हैं, बैलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, बस शहर में ले जाना है, मंडी में ले जाना है, और अचानक ओले गिर गए, वर्षा आ गई, आंधी आ गई और पूरी फसल थी बर्बाद हो गई। ये सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि कटाई के 15 दिन के बाद भी कोई आफत आएगी तो भी बीमा का पैसा मिलेगा भाई, ऐसा हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, सभी जगह पे 50-60% किसानों का बीमा ले लिया गया है। ये अखिलेश जी का कारनामा देखिए कि उत्तर प्रदेश में 15% भी नहीं लिया गया है, 15% भी नहीं किया गया है। ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है, ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में फसल बीमा योजना लागू करने का तो वादा किया ही किया है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के एक महत्वपूर्ण वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद छोटे किसानों का जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। मैं बदायूं के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, 20 मार्च के पहले पहले नई सरकार बन जाएगी और मैं भी यूपी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते नहीं लेकिन यूपी के सांसद के नाते मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के पास सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करवा के रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाई बहनों, अखिलेश सरकार का काम है वो उत्तर दे, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर मांगती है, वे उत्तर दे नहीं रहे हैं लेकिन अब जनता मत पेटी में उत्तर दे देगी, मुझे मालूम है। अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो जनता बटन दबा करके उत्तर देने वाली है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले दिनों में, मेहनत करिए, गांव गांव जाइए, घर घर जाइए, मतदाताओं को तैयार करिए, गुंडागिर्दी से डरिए मत। 30 दिन के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा भाइयों, 20 दिन के बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर जिन्होंने
निर्दोष नागरिकों को परेशान किया है तो कानून कानून काम का काम करेगा, कोई बच नहीं पाएगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।